जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे चैनल पे जो भी नए हैं आप लोग जाके जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक तुरंत पहुंच पाए। तो भाई, मैं रात्रि का जो हमारा विश्राम स्थल था यही था, और ये सेवागंज में मैं था, करमपुर बरसावा हाँ करमपुर बरसावा में खाली और काली धाम में। और यहाँ का सेवा बहुत उत्कृष्ट रहा, बहुत ही आनंदित हुए हम लोग। और आप लोगों को जो राम भक्त के प्रति प्यार है जो बहुत ही मतलब आदरणीय रहा, बहुत ही अच्छा लगा चाचा। और हम लोग अब अपना यात्रा यहाँ से प्रारंभ करना चाहते हैं, और हमारा यात्रा मात्र 37 किलोमीटर बचा है। तो आप लोग से विदा चाहते हैं ताकि हम लोग समय रहते अयोध्या धाम की नगरी में प्रवेश कर जाएं। बस अयोध्या जिले में आप 10 मिनट के बाद घुस जाएंगे। हाँ, अच्छा, तो बस 10 मिनट अभी हम बस लोग बॉर्डर पे आराम। ही हैं, बस यहाँ से 500 मीटर के करीब से फिर अयोध्या हाँ धाम का जिला जो है स्टार्ट हो जाता है। तो जय एक बार सब कोई बोल दीजिए जय श्री राम। श्री राम। और यहाँ पे देखें हमारे बहनें भी सुबह सुबह आ गई हैं, और यहाँ पे अच्छा है कि इतना सुबह सब बहनों लोग आ जाते हैं मंदिर में। आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चाचा चलते हैं हम लोग, जय श्री राम। सीताराम सीताराम सीताराम। आज अपनी यात्रा 5:30 बजे शुरू हो गई है, क्योंकि बॉर्डर सील होने वाला है। रात में जो प्रशासन आए थे, हम लोगों को आईडी वगैरह देखे, और तो उन्होंने बताया था कि बॉर्डर सील होने से पहले आप लोग यहाँ से निकल जाएं तो बेहतर होगा। तो हम लोगों ने 5:30 बजे ही यात्रा अपना शुरू कर दी है ताकि मैं यहाँ से बॉर्डर को पार कर जाऊँ और कोई दिक्कत ना हो, हम लोग सही समय पहुँच जाएं अपने यात्रा पे। और क्या लालधारी, जय श्री राम। जय श्री राम। और देखिए सुबह सुबह आराध्य भाई भी उठकर आ गए हम लोगों को विदा करने। जय श्री राम आराध्य भाई। चलिए फिर कभी आपसे मुलाकात होगी, फोन पे बात होते रहेगी। तो हम लोग अब विदा लेते हैं और चलते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चाचा भी चल रहे हैं हमारे साथ में थोड़ा दूर आगे तक। तो अभी हम लोग यात्रा 5 किलोमीटर तय कर लिया है, और चाचा जी हमें एकदम प्रातः काल उठकर हमारे साथ 5 किलोमीटर तक हम लोगों को छोड़ने आए हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो इस आसपास के क्षेत्र में। तो चाचा जी आपको बहुत 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 धन्यवाद बहुत धन्यवाद प्रभु, आपकी कृपा कि आपने मंगल हमें, करें, सफल हो, आप अयोध्या नगर में पहुंच जाएं। बस हमारी बस व्यवस्था एक है, कोई झांकी निकालने के लिए नहीं, तो हम साथ ही साथ में चलते, आपको पहुंचाते, स्थान खाने पीने सब व्यवस्था वहां करते। हाँ, कोई बात नहीं है चाचा, आपने जो किया रात्रि का लेकिन व्यवस्था वो बहुत ही कालसर्प उत्तम नाथ पर था। चले जाना। जरूर जरूर हाँ, जरूर। तो जो तो सिंधु हाँ परिषद का कार्यालय है वहां हाँ पर आप चले जाना, वहां पर आपको सब व्यवस्था हो जाएगी। उससे तो भोजन का व्यवस्था का कई जगह हो गया है, लेकिन आप उसी में चले जाना। चलिए बहुत बहुत जय धन्यवाद। श्री जय श्री राम राम, चाचा जी, जय जय श्री श्री राम। राम, अब जय आपसे श्री विदा लेते हैं और हम लोग अपना यात्रा प्रारंभ करते हैं आगे की ओर। जय जय श्री श्री राम, राम। जय श्री राम। तो चाचा से अब हम लोग लिया विदा, और अब यहाँ से हम लोग चल रहे हैं आगे की यात्रा के लिए। और देखो ये हमारे दोस्त योद्धा जिन्होंने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया चलने का। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और एक चीज ये है कि निर्मल भैया के पाँव में थोड़ा कष्ट ज्यादा हो रहा है। कष्ट ये हो रहा है कि उनके पाँव में कंकड़ लग गए हैं, और कंकड़ लगने से पैर में थोड़ा जहाँ तहाँ वो कुचड़ गया है, और जिसकी वजह से उनको चलने में कठिनाई हो रही है। और देख सकते हैं आप थोड़ा उनको पैर जो है वो अच्छे से नहीं रख पा रहे हैं। तो अब यात्रा तो हमारा आज पूर्ण हो जाएगा, बस भगवान इनको ताकत दे दर्द को सहने के लिए। और निर्मल भैया चलने में काफी तेज रहे हैं शुरू से, हम तो इनके पीछे पीछे रहते थे। और क्या बताएं, आज थोड़ा सा कष्ट है, लेकिन फिर भी देखो अभी हम लोग तीनों पीछे हैं और निर्मल भैया अभी भी आगे आगे चल रहे हैं। तो भाई ये है प्रभु राम की कृपा। आज पहुंच जाएंगे शाम तक।
अभी हम लोग पहुंच गए हैं मया बाजार, और ये वही बाजार है जिसका मोदी जी ने नाम चेंज किया था मिया बाजार से मया बाजार। और यहाँ से अब अयोध्या की दूरी ज़्यादा है नहीं, बहुत कम रह गया है, मात्र 25 किलोमीटर के करीब हम लोग हैं और बहुत जल्द ही पहुँच जाएंगे। ये है मया बाजार का चौक। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो भाई यहाँ पे देखो पूरा भगवामय दिख रहा है, यहाँ पे झंडे लगे हैं पूरा। अच्छा ये तो झंडे बेच रहे हैं। जय श्री राम। एक चीज है, यहाँ पे जब भी आओगे लोग आपका अभिवादन करेंगे जय श्री राम के नाम से, और आपको लगेगा ही नहीं कि आप कहीं अपरिचित जगह पे हो। लोग आपको हर मिनट मिनट में आपको लोग टोकते रहेंगे, जय श्री राम जय श्री राम का उद्घोष करते रहते हैं। तो भाई ये बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पूरा बाजार, और ये अयोध्या से लगभग 14 किलोमीटर पीछे है। और सुबह में हम लोग चले थे कौन सा जगह था, सेवा संघ ना, सेवा संघ से चले थे। और अभी समय हो रहा है करीब 1 बजने वाला है, और अब ज़्यादा देर बचा नहीं है नहीं, अयोध्या 1:51 हो गए। हाँ 12:51 हो गए हैं, अब ज़्यादा समय है नहीं। और आज तो हमारे निर्मल भैया का बैटरी फुल चार्ज है, आज तो सबसे आगे आगे चल रहे थे, और अभी हम लोगों को पीछे रखे थे, अभी वो खड़ा हुए तब हम लोग जाके इनके साथ आ पाए। और इधर में है लालधारी, तब लालधारी बैटरी चार्ज है पूरा फुल, तेरा बैटरी चार्ज है कि नहीं। और इसको देखो ये जुगाड़ू आदमी है, हम लोग को गन्ना खाना होता था खेत में इसी को भेजते है कि जाओ भाई गन्ना मांग के आना और गन्ना लेके आता है, और देखो अभी हम भी गन्ना खा रहे हैं। तो भाई संदीप के आने से एक फायदा हुआ कि गन्ना खाने को मिल रहा सुबह से, जहाँ गन्ना कटता दिखता है बस बोलते हैं जाओ संदीप लेके आना, जाता है बस मिल जाता है इसको। अभी तो इसको तीन मतलब तीन डाल मिला था इसको, तीन डाल, तो एक तो हम खा रहे हैं और आधा देखो इधर एक डाल ये रखा हुआ है, और एक लालधारी अपने बैग में डाल लिया है तोड़ के। तो भाई राम में बहुत मजा आ रहा है, बस राम के नाम से बहुत सुकून मिल रहा है। रास्ते में एक भैया मिले हैं जो साइकिल से अपना यात्रा कर रहे हैं, और इनका नाम है नीतीश कुमार। भाई आप कहाँ से आ रहे हो? थोड़ा रोड बलिया जिला। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा नजदीक आ जाओ। ये भाई साहब बेलथरा रोड बलिया जिला से आ रहे हैं और अयोध्या के जा रहे हैं। आपके घर से कितना दूर है? हमारे यहाँ से 230 किलोमीटर है। 230 किलोमीटर ना, कब चले थे आप? कल सुबह में 6:30 बजे और 6 बजे शाम तक चलाया हूँ साइकिल। और सुबह 6 बजे चले थे, शाम तक चलाए हैं, फिर ये रुके थे रात्रि टांडा शमशान घाट के पास, और फिर अभी चले हैं। 9 बजे चले हैं और यहाँ तक पहुँचा हूँ। 9 बजे चले थे, और टांडा से यहाँ ज्यादा दूर है नहीं, टांडा से अयोध्या था आपका टोटल 67 किलोमीटर, तो जिसमें 12 किलोमीटर और अभी बचा है। और तो भाई कैसे आपको मन में आया कि साइकिल से चलें? भगवान बुला दिए तो कहे कि भगवान के दरबार में हमको जाना चाहिए, सब लोग जा रहे हैं तो हमको भी चलेगा। चलिए भगवान के मन में, भगवान आपके मन में दिए कि आना चाहिए ना। चलिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए।
बाय, फिर मिलते हैं अयोध्या में। तो भाई फाइनली हम लोग अयोध्या नगरी में प्रवेश कर लिए हैं और यहाँ से राम जन्मभूमि जो है 5 किलोमीटर की दूरी पे है और आप देख सकते हैं श्री राम। यह अयोध्या धाम विश्व कल्याण के नाम, देखो एक यहाँ बस सचकर खड़ी है, लोग इसके ग्लास वगैरह सब साफ कर रहे हैं और जो लोग इसमें सवारी करेंगे वो आराम से ग्लास से देख सकते हैं। और इसका डबल डेकर बस है, ऊपर में ओपन खुला रहेगा और ओपन में यहाँ से सीढ़ी है, लोग यहाँ से चढ़ेंगे। दोस्तों अयोध्या में आपका स्वागत है और आप पहुंच चुके हैं अयोध्या धाम। देखिए यहाँ का नज़ारा। और अभी हम लोग सबसे पहले कैंप जाएंगे जहाँ पे रहने का इधर व्यवस्था है, उधर चल के देखते हैं क्या है कैंप का नज़ारा। तो भाई यहाँ पे आया और यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ पे ठहरने का व्यवस्था उनके लिए है जिनको निमंत्रण प्राप्त है। तो हमारे पास तो निमंत्रण है नहीं, तो हम लोग यहाँ से चलेंगे अभी लता मंगेशकर चौराहा। और लता मंगेशकर चौराहा जाने के बाद वहाँ नगर निगम के द्वारा व्यवस्था किया गया है ठहरने का, हम लोग वहाँ पे ठहरेंगे। और फिर वापस हम लोग को अभी 2-4 किलोमीटर और चलना पड़ेगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ लता मंगेशकर चौक, वहाँ पे नगर निगम के द्वारा पंडाल बनाया गया रहने का। तो अभी हम लोग सारे जने उधर ही के लिए मूव कर रहे हैं और यहाँ से दूरी है करीब 3 किलोमीटर के आसपास। तो पैदल चलने में थोड़ा पस्त हो गए हैं क्योंकि उतना देर से चल के आए हैं और अब शाम को एनर्जी बचा नहीं है, तो अभी थोड़ा आफत लग रहा है चलने में। हम लोग आ गए भद्राचार्य जी का जहाँ सत्संग हो रहा है वहाँ पे, और अभी जाएंगे सत्संग के अंदर और वहाँ चल के सत्संग में थोड़ा देर बैठते हैं, तब तक पैर भी रिलैक्स हो जाएगा। उसके बाद फिर देखेंगे कि रात्रि विश्राम का जगह कहाँ बनता है। ऐसे लोग बोल रहे थे कि रात को यहाँ भी सो जाते हैं लोग, तो देख लेते हैं जैसा होता है। फिर आपसे मिलते हैं नए ब्लॉग में सुबह मॉर्निंग में। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे ब्लॉग के बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में।